नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं कोका कोला के बारे में। जी हाँ, कोका कोला के बारे में तो आपने सुना ही होगा और कभी न कभी अपने लाइफ में इसे टेस्ट भी किया होगा। आइए जानते हैं कि आखिर कोका कोला की शुरुआत हुई कैसे। जॉन स्टिथ पेम्बर्टन, जो कि एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने कोका कोला का आविष्कार एक सिरप के रूप में 1886 में किया। उन्होंने ये सिरप खुद के इलाज के लिए बनाया था। अप्रैल 1865 में डॉक्टर पेम्बर्टन अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से काफी जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने दर्द को कम करने के लिए अफीम का सेवन शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनको अफीम की आदत पड़ गई। इसी आदत को सुधारने के लिए उन्होंने इसका कोई सब्स्टिट्यूट खोजना शुरू किया, जिससे कि उनके दर्द को भी आराम मिल जाए और अफीम के लत से भी छुटकारा मिल जाए। इसी खोज में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने कोला नट और डैमियाना पर किया, जिसको उन्होंने पेम्बर्टन्स फ्रेंच वाइन कोका का नाम दिया। कोला नट एक प्रकार का कैफीन युक्त फल है, जो कि अमेरिका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है, और डैमियाना एक प्रकार की झाड़ है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के सदर्न टेक्सास में पाई जाती है। पेम्बर्टन ने अपने इस ड्रिंक को लोगों की साधारण बीमारियों के लिए टॉनिक के रूप में इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन उसके बाद जब 1886 में अल्कोहल के खिलाफ कानून बने, तब पेम्बर्टन ने अपने सिरप से अल्कोहल को अलग करने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन जब वो ग्लास में ड्रिंक बना रहे थे, तभी एक्सीडेंटली सिरप कार्बोनेट वाटर में मिक्स हो गया, जिसके बाद जो लिक्विड बना उसमें से बबल्स निकल रहे थे। फिर पेम्बर्टन ने डिसाइड किया कि अब ये ड्रिंक मेडिसिन की तरह न सेल करके बबल्स निकलने वाली ड्रिंक की तरह सेल किया जाए। उसके बाद उनके साथ काम करने वाले फ्रैंक मेसन रॉबिन्सन ने इस ड्रिंक को कोका कोला का नाम दिया। जो फॉर्मूला पेम्बर्टन ने 1886 में बनाया था, वही फॉर्मूला आज भी कोका कोला बनाने के लिए यूज होता है। और पहली बार कोका कोला की सेल 5 सेंट पर ग्लास हुई थी। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इस ड्रिंक को बनाने के मात्र 2 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई। 1888 में कोका कोला के 3 वर्जन्स 3 अलग-अलग बिजनेस के द्वारा मार्केट में सेल किए जाने लगे। 14th of January 1888 को पेम्बर्टन ने 4 बिजनेसमैन के साथ को पार्टनरशिप की। बाद में ऐसा जी कैंगलर के बिना किसी प्रमाणित डॉक्यूमेंट के ये बयान दिया कि उन्होंने 1887 की शुरुआत में ही पेम्बर्टन की कंपनी से हिस्सा ले लिया था, और ये बयान सही भी साबित हुआ। पेम्बर्टन ने बताया कि कोका कोला कंपनी का नाम उनके बेटे चार्ली पेम्बर्टन को बिलोंग करता है, लेकिन और 2 बिजनेसमैन उनका फॉर्मूला यूज करके ड्रिंक बना सकते हैं। चार्ली के कोका कोला कंपनी के नाम पर कंट्रोल की वजह से चार्ली को सबसे ज्यादा शेयर मिले, जिससे उन्होंने अपने पिता का स्थान प्राप्त कर लिया। चार्ली का कंपनी पर ज्यादा कंट्रोल कैंडलर के रास्ते का काटा बन गया था। 14th of April 1888 को ऐसा जी कैंगलर ने कंपनी का 1/3 शेयर खरीद लिया, पर उसके बाद भी कंपनी चार्ली के नाम पर थी। इसके बाद 17th of April 1888 को कैंडलर ने कंपनी के इंटरेस्ट के आधे शेयर अपने नाम करवा लिए। इसके बाद जब कैंडलर ने कंपनी पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी, उसके बाद भी उसे अपनी ड्रिंक को दूसरे नाम से बेचना पड़ रहा था, जबकि चार्ली अपनी ड्रिंक को कोका कोला के नाम से ही बेच रहा था। ईयर 1888 के मध्य में ही कैंडलर ने ये सोच रखा था कि वो कोका कोला की कंपनी को अपने नाम कर सकते हैं और अपने 2 कॉम्पिटिटर्स को कोका कोला के बिजनेस से बाहर निकाल सकते हैं। 16th of August 1888 को जॉन पेम्बर्टन की अचानक डेथ हो गई, जिसके बाद कैंगलर ने कोका कोला कंपनी पर पूरा अधिकार जमाने का मन बना लिया था। चार्ली पेम्बर्टन एक शराबी और अफीम का आदी था। कैंगलर को चार्ली से कोका कोला कंपनी का नाम लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। 30th of August 1888 को ऐसा जी कैंगलर कोका कोला के इकलौते ओनर बन गए। उन्होंने अपने दोनों पार्टनर से $1,000 में कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। 1st of May 1889 को कैंगलर ने ये क्लेम किया
कि उन्होंने $2,300 कोका कोला में इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी की पूरी तरह से ओनरशिप ले ली है। 1892 में कैंगलर ने कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम रखा द कोका कोला कंपनी। कोका कोला का ट्रेडमार्क US पेटेंट ऑफिस में 1893 में रजिस्टर्ड हुआ। कैंगलर की लीडरशिप में कोका कोला की सेल जो ईयर 1890 में 9000 गैलन थी, वो ईयर 1900 में पहुंचते 370,877 गैलन हो गई। और इसी दशक में डैलस, लॉस एंजलिस और फिलाडेल्फिया में कोका कोला के सिरप बनाने वाले प्लांट्स बनाए गए और कोका कोला को यूनाइटेड स्टेट्स के सभी स्टेट के साथ साथ कनाडा में बेचना शुरू कर दिया। 1894 में कोका कोला की बढ़ती हुई डिमांड देखकर 12th ऑफ मार्च 1894 को पहली बार जोसेफ बेजिनहान ने मिसिसिपी में बॉटल भरने वाली मशीनरी की स्थापना करके कोका कोला को बॉटल्स में भरना शुरू किया। 5 साल बाद बहुत ज्यादा मात्रा में कोका कोला के बॉटल्स के बनने की संभावना हुई जब 1899 में 3 व्यापारियों ने ऐसा कैंगलर से सिर्फ $1 में बॉटल बनाकर कोका कोला को बेचने का अधिकार खरीद लिया। 1892 में $100,000 पूंजी वाली द कोका कोला कंपनी को ऐसा कैंगलर ने 1919 में $25 मिलियन के इन्वेस्टर के ग्रुप को बेच दिया, जिसके हेड अर्नेस्ट वुड्रफ, द अर्नेस्ट वुड्रफ के बेटे रॉबर्ट विंचर वुड्रफ ने कंपनी का नेतृत्व 1923 से 1955 तक किया। उन्होंने कोका कोला का विदेशों में विस्तार किया और पहली बार 1928 में कोका कोला को ओलंपिक गेम्स में लाया गया, जब कोका कोला ने यूनाइटेड स्टेट्स की टीम के साथ एम्स्टरडैम ओलंपिक में अपना सफर किया। 1941 में जब अमेरिका का प्रवेश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ और हजारों अमेरिकी नागरिकों को दूसरे देशों में भेजा जा रहा था, तब कोका कोला कंपनी के प्रेसिडेंट रॉबर्ट वुड्रफ ने ऑर्डर किया कि जो भी व्यक्ति यूनिफॉर्म में है उनको कोका कोला की बॉटल मात्र 5 सेंट में मिलेगी, चाहे वो कहीं भी हो और बॉटल की कॉस्ट चाहे कितनी भी हो। 1946 में कंपनी ने जर्मनी में बनी हुई सॉफ्ट ड्रिंक फैंटा को खरीद लिया। 1961 में कंपनी ने लेमन लाइम जूस बनाया, जिसको स्प्राइट का नाम दिया। 1978 में कोका कोला पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में पैक्ड बिकने वाली एकमात्र ड्रिंक बन गया। 1985 में कंपनी ने कोका कोला का फ्लेवर को चेंज कर दिया और अपने न्यू प्रोडक्ट को नाम दिया न्यू कोक। लोगों में पुराने कोका कोला की डिमांड को देखते हुए कंपनी ने फिर से उसी फॉर्मूले पे काम करना शुरू कर दिया। 1990 में कंपनी ने ईस्ट जर्मनी और 1993 में इंडिया में प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया। 1992 में कंपनी ने पहला प्लास्टिक बॉटल बनाया जो कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी थी। 1997 में कोका कोला की बिक्री प्रतिदिन 1 अरब प्रोडक्ट्स की हो गई। इसके बावजूद कोका कोला का ये विश्वास था कि अभी भी विकास के अवसर दुनिया के हर कोने में है। 2005 में कंपनी ने 0 कैलोरी सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जो कि रेगुलर कोक का टेस्ट ही दे रहा था। 2009 में कंपनी ने लिव पॉजिटिवली नाम की एक कैंपेन चलाया, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में सकारात्मक बदलाव लाना था। इसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका टाइटल था एवरी बॉटल हैज अ स्टोरी प्रोजेक्ट। लैटिन अमेरिका के 4 अलग देशों से 5 लोगों को लाया गया। इस कैंपेन में उन लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया जिन्होंने खुद की मेहनत से अपने जीवन को बदल दिया था। कोका कोला हर प्रकार के लोगों को उनकी लाइफस्टाइल के अनुसार क्वालिटी ड्रिंक प्रोवाइड करता है। 2008 तक 160 लो कैलोरी या बिना कैलोरी के ड्रिंक कोका कोला का हिस्सा बन चुकी थी। कोका कोला बनाने का एग्जैक्ट फॉर्मूला 86 ईयर्स से सेंट्रल बैंक के मेन अकाउंट में बंद था, जो 2011 में सेंट्रल बैंक से निकाल कर अटलांटा के वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम में रख दिया गया है। अगर आप सभी अपडेटेड रहना पसंद करते हैं और रोचक तथ्यों के बारे में जानने में इच्छुक रहते हैं, तो दोस्तों मैं आप सभी को CTA दे रही हूँ, एक कॉल टू एक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।